नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिशक न्यूज़ में। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, केंद्र का आदेश, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति समस्त राज्य जल्द से जल्द लागू करें। उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब आदि सरकारें लागू कर चुकी हैं, अब उत्तर प्रदेश सरकार लगातार विचार कर रही है अंतःशिक्षक शिक्षा मित्रों को समायोजित करने के लिए, उन्हें नई शिक्षा नीति में शामिल करने के लिए। सदन में लगातार वैश्विक शिक्षा को लेकर प्रश्न किए जाते रहे हैं और इस समय सरकार लगातार यूपी बेसिक शिक्षा के बारे में सोच रही है, खासकर निदेशक और शिक्षा मित्रों को समायोजित करने के बारे में, क्योंकि नई शिक्षा नीति में इन्हें नियमित करना होगा, इनको समान कार्य समान वेतन के तहत इन्हें रखना पड़ेगा। आपको बताना चाहें, जब से राजस्थान में समायोजन हुआ है समुदाय शिक्षकों का, तब से लगातार यूपी सरकार विशेष शिक्षा मित्रों के बारे में सोच रही है। राजस्थान से पहले उड़ीसा सरकार ने संविदा कर्मियों को बहाल करने की घोषणा की थी और समस्त राज्य इसको फॉलो कर रहे हैं। समान कार्य समान वेतन के तहत अपने संविदा कर्मियों को लाभ दे रहे हैं और नई शिक्षा नीति के तहत सारे कार्य शुरू कर दिए हैं। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति को लागू करने वाले राज्यों के अगर हम नाम गिने तो शुरू करते हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार इत्यादि राज्य अपने प्रदेश में राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति को लागू कर चुके हैं और उसके तहत जो उनके यहाँ संविदा कर्मी शिक्षक कर्मचारी हैं उनको लाभ भी दिए जा रहे हैं, वेतन भी उनको उसी तहत दिया जा रहा है, समान कार्य समान वेतन के तहत उनको सम्मानजनक मानदेय दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने इसकी शुरुआत कर दी है, जैसा कि आपने अभी जल्द में एक मैसेज देखा होगा कि जिन संविदा कर्मियों की भर्ती विज्ञापन के द्वारा हुई है उनको इसका लाभ दिया जाएगा। इसी को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने महानिदेशक और अन्य अधिकारियों को लेकर मीटिंग की थी और उसमें विचार किया गया है अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के बारे में। आपको बताना चाहेंगे, अनुदेशक विज्ञापन के द्वारा भर्ती हुए हैं, सारी गाइडलाइन पूर्ण करते हैं, ऐसा कोई भी टेक्निकल फॉल्ट नहीं है जिससे उन्हें नियमित ना किया जाए। बात शिक्षा मित्रों की, तो शिक्षा मित्रों के साथ भी यही है, जिन शिक्षा मित्रों ने TT पास कर लिया है उनको समायोजित किया जाएगा और जो नहीं है उनको प्राइमरी में समायोजित किया जाएगा। ये साधु नई शिक्षा नीति जल्द उत्तर प्रदेश में पूर्णतः लागू की जाएगी, इसके लिए मीटिंग हो चुकी है और जो भी कार्यक्रम बनाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसे जल्द लागू किया जाएगा, ऐसा हम विश्वास कर सकते हैं। बस कुछ समय की बात है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। आप सभी को आपका सम्मान, आपका हक, आपका संवैधानिक अधिकार मिलेगा, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उत्तर प्रदेश से ऐसे की आशा करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म अनुदेशक न्यूज़ पर, जो कि सदैव आपके संघर्ष के साथ है, आपके संघर्ष का साथी है। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।